का मैं डोसा बना रही हूँ। एक कप रागी ले रही हूँ इसमें। ये फॉक्स टेल मिलेट है, ये कन्नड़ा में नमणे बोलते हैं। ये आधा कप आधा कटोरी ले रही हूँ। आधा कटोरी मूंग ले रही हूँ अखा वाला। थोड़ा सा उड़द दाल ले रही हूँ, आधा से भी कम है ये। ये बड़ा वाला चावल है दोसे का, ये आधा कटोरी ले रही हूँ। दो तीन बार धो के 5-6 घंटे के लिए मैं भिगो के रख देती हूँ। 3-4 बार धोया है, अभी मैं रख देती हूँ 5-6 घंटा। पीसने के टाइम में मेथी डालती हूँ, और पोहा भी डाल सकते हैं, नहीं तो गोल वाला ओट्स भी डाल सकते हैं। 8 घंटा हो गया है, अभी मिक्सी में डाल रही हूँ। इसमें गोल वाला ओट्स डाल रही हूँ आधा कटोरी। थोड़ा सा कुरमुरा डाल रही हूँ, इसको पीस लेती हूँ अभी। बारीक पीस लेने का इसको। मेथी का पाउडर डाल रही हूँ, मेथी भी डाल सकते हैं भिगो के। इसको रात भर ढक के रख देती हूँ, कल सुबह में बनाती हूँ। रात भर के लिए सुबह में बनाते हैं। ये तैयार हो गया है, अभी स्वाद अनुसार नमक डाल के अभी बनाती हूँ। मैं मिलेट का डोसा बना रही हूँ, इसमें नमक डाली हूँ स्वाद अनुसार। और इधर तवा गर्म हो गया है, अभी मैं डालती हूँ डोसा। थोड़ा सा तेल डालेंगे, मीडियम रखेंगे गैस को। गया है ये डोसा, इतना पतला चाहिए उतना होता है, और एकदम स्वादिष्ट भी होता है और अच्छा भी होता है हेल्थ के लिए। ये तैयार हो गया है, आप भी ट्राई कीजिए, लाइक भी कीजिए, पसंद आया तो सब्सक्राइब भी कीजिए।